धार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लेने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार विधानसभा भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस कारण कल राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में डीडी न्यूज को स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री शताब्दी स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में होंगे 12 जुलाई को। यह पहला मौका होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में किसी समारोह में शिरकत करने के लिए आएंगे। हमारे साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। देखिए, बिहार जनतंत्र की धरती रही है और इस जनतंत्र की धरती पर भारत अमृत महोत्सव अमृतकाल चल रहा है और हमारा यह सुखद संयोग है कि बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ और इसी वर्ष के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण होने जा रहा है के अंदर इस तरह की पहली जो हमारे आज़ादी के समय लोकसभा और सेंट्रल हॉल में जो प्रतीक विहार का था उस प्रतीक बिहार विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ को हम लोग 15 फीट ऊपर लगाए हैं। नीचे स्तंभ है 25 फीट का। इसके विधानसभा का जो हमारी कल्पना है, जितने विधायक हैं उतने पत्ते हैं, जितने जिले हैं उसकी डाली है, जितने कमिश्नरी हैं उसकी मेन डाली है, इस तरह से एक संरचना को बनाया गया है। संग्रहालय के अंदर हमारे बिहार के सांस्कृतिक विरासत विधानसभा से जुड़े हुए दर्शन होंगे। उस विधानसभा के 100 साल के सफरनामा को जो इतिहास के पन्नों में हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत महत्व रखता है उसकी जानकारी होगी और आज हमारे 2/3 बच्चों को ये अवसर मिलेगा इसको देखने का, समझने का, जानने का और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुभारंभ हुआ है तो ये एक और नया आकर्षण होगा और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ को बहुत गौरव और इज्जत प्रदान करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो आ रहे हैं, हम लोग उनको नमन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।